समन्ता चक्रवाणी अत्र गच्छन्ति सद्धम्मं विराजसे सुनन्तु सखे मुक्तहृदयं धम्मस्सवने कालो अयं भदन्त धम्मस्सवने कालो अयं भदन्त धम्मस्सवने कालो अयं भदन्त नमो तस्से भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से दसे पराभवन्तं पुरेषां मयं पुच्छामि गुरुतमं भगवन्तं पुट्टमातं मे किं पराभवन्तं सुरेजानुभवन्तु सुवे जानु परम धम्म भाव धम्म दृष्टि परम श्रद्धावान है पुण्यकामी उपासक पास कालो हमारे गौतम बुद्ध एक समय में देशना कर रहे हैं दुर्लभो मनुष्य कहकर। मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिनाइयों से ही मनुष्य जीवन मिलता है। बहुत कठिनाइयों से मिलने वाला और बहुत ही दुर्लभ से मिलने वाला ये मनुष्य जीवन हमें आप सब लोगों को प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। दुर्लभ से मिलने वाला ये मनुष्य जीवन कैसे हम उन्नति की ओर, उज्याला की ओर, रोशनी की ओर लेकर जाए। ये मनुष्य जीवन कैसे हम उत्तरीतर जीवन बनाए, उज्जवल भविष्य बनाए, ये सभी कारणों के बारे में आज हम इस समय में बातचीत करने वाले हैं। धर्म देशना करने वाले मैंने आप लोगों को शुरू में एक सूत्र पाठ पढ़ के सुनाया, परा भवंतं पुरिसा मयं पुच्छामि गोतम भगवंतं कुट्टमागम किं पराभवतुम् सुबिजानो भवं कोटि सुबिजानो पराभव धम्म कामो भवं कोटि धम्म दृष्टि पराभव
कहता है। ये सूत्र पाठ है परा बहुसूत्र देश में अंतर्गत, उसमें ही पाया जाता है। ये परा बहुसूत्र कहाँ पे है त्रिपुरा, ये भी जानना जरूरी है। खुद्दक निकाय में, उसके बाद में सुत्त निपात कहकर एक, सुत्त निपात में उर्ग वर्ग है। उर्ग वर्ग में पराभव सूत्र हमको मिलेगा, उसमें ये पराभव सूत्र अंतर्गत खुद्दक निकाय में, सुत्तक निपात में, सुत्तक निपात के उर्ग वर्ग में पराभव सूत्र अंतर्गत, वहां से लेकर ही आज मैं आप लोगों को प्रवचन सुनाने वाला। ये सूत्र देशना हमारे गौतम बुद्ध जब श्रावस्ती में जेतवना महाविहार में विराजमान करते थे, रहते थे, तब उन्होंने एक देवता को ये धर्म देशना सुनाए थे, कहे थे। गौतम बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन महाविहार में रहते थे, तब एक देवता मध्यम के रात में पूरा जेतवन महाविहार चमकाते हुए, एका आलोक मत करते हुए गौतम बुद्ध के पास आकर उनको अभिवादन, एक मंत्र निषेध दी। गौतम बुद्ध को वंदना मान करते हुए एक किनारे वो देवता खड़ा है। गौतम बुद्ध से एक सवाल किया, प्रश्न पूछा, जो वो देवता के मन में वो प्रश्न उत्तर नहीं, तो क्या देवता ने गौतम बुद्ध से, ये हम अभी से देखते हैं। देवता ने गौतम बुद्ध से पूछा, पराभवंतं पुरिषं मयं पुच्छ भगवंतं कुटुमागम्य किं पराभूतम्। गौतम बुद्ध पराभवंतं पुरिषं, आदमी लोगों का परिहानि का कारण क्या है, कृपया मयं पुच्छामि भूतम्, हमें बताइए, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं, मनुष्य क्यों परिहानि होते जा रहा, क्यों विनाश होते जा रहा, क्यों अंधकार में डूबता जा रहा, क्यों नीचे ही गिरता जा रहा है, उसका कारण क्या, कृपया तथागत हमको बताइए। वो देवता निवेदन करा गौतम बुद्ध से, तब गौतम बुद्ध ने सुनाए, उन्होंने कहे, सुविजानो भवंतोति सुविजानो परा धम्म कामो भवंतोति धम्म देस्ते पराम। परिहानि होने का कारण अच्छा से जानने वाला व्यक्ति और अपरिहानि होने का धर्म
अच्छा से जानने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा जीवन जीता है। भरी हानि होने का धर्म यहां से और अपरिहानि होने का धर्म यहां से हम लोग सुनेंगे। बहुत अच्छा से गौतम बुद्ध ने यहां से देशना कर, इसलिए आप लोग सुविजानो भव, सुविजानो परा भव होने वाला कारण और उन्नति होने वाला कारण बहुत ध्यान से सुनात सुनिएगा। उसके बाद में धारे अच्छा से सुनकर अपने मन में धारण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद में सरात धम्म में वही धर्म अनुसार अपना जीवन जी के उज्जवल भविष्य के ओर बढ़िएगा। अपना जीवन मंगलमय कर लीजिएगा, उन्नति को लेते जाए। तो हम इस समय में देखते हैं, पहला उन्नति का कारण क्या है और अवन्नति का कारण क्या। धम्म कामो भवं भूते धम्म दृष्टि पर, धम्म काम जो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म को प्रिय करेगा, चाहेगा, अपनाएगा, उस धर्म से अपना जीवन जिएगा, वो व्यक्ति भवन होते उन्नति की ओर, अभिवृद्धि की ओर, उज्जवल की ओर बढ़ता ही जाए। पर धम्म दृष्टि पराग जो व्यक्ति अधर्म को अपनाएगा, धर्म को नहीं पसंद करेगा, अधर्म से ही जीवन जिएगा, अधर्म से ही अपना जीवन चलाएगा, अधर्म को ही मानेगा, वो व्यक्ति धम्म दृष्टि पराभव परिहानि होते ही जाए, विनाश की ओर बढ़ती ही जाए, अंधकार की ओर बढ़ती ही जाए। इति ही तं विजा नाम है पठमो सो परा द्वितीय भगवा ब्रूहि हिं पराभव तुम। देवता गौतम बुद्ध से कह रहा है, धर्म को चाहने वाला, धर्म से जिंदगी बिताने वाला और अधर्म को चाहने वाला, अधर्म से जिंदगी बिताने वाला व्यक्ति धर्म से जो जिंदगी बिताएगा उन्नति की ओर ही जाए, अधर्म से जो जिंदगी बिताएगा उसका जीवन अंधकार हो। ये पहला परिहानि और उन्नति का कारण है, ये मैं जान गया। कृपया गौतम बुद्ध द्वितीयो सो पराभव, दूसरा कारण परिहानि होने का कारण हमें बताइए। तो गौतम बुद्ध बता रहे हैं, कह रहे हैं, असंतस्य पियाहंते संतेन पुरते पियं असतं धम्मं रुचेति पराभव। ये दूसरा अपरिहानि धर्म का गाथा है। इसमें गौतम बुद्ध है हमें बता रहे हैं, कह रहे हैं, असंतस्य पियाहंति संतेन कुरुते पिया, जो व्यक्ति बुद्धादि सत्पुरुष लोगों को ना कुरते पिया
नहीं पसंद करेगा, नहीं चाहेगा, नहीं लेना देना रखेगा, वो व्यक्ति परिहानि की ओर, विनाश के ओर बढ़ते ही जाए। जो व्यक्ति संते न कुरते पियम, भगवान बुद्ध को, संघ को और कल्याण मित्र लोगों को नहीं मानेगा, नहीं दोस्ती करेगा, नहीं लेना देना रखेगा, वो व्यक्ति परिहानि की ओर बढ़ते ही जाए। और अपवित्र आदमी लोगों को, पाप मित्र लोगों को, बुरा इंसान लोगों को जो व्यक्ति पसंद करेगा, प्रिय करेगा, लेना देना रखेगा, चाहेगा, एक साथ में काम करेगा, अधार्मिक आदमी लोगों के साथ, वो व्यक्ति तं पराभूतमुखं, विनाश की ओर जाएगा, परिहानि की ओर जाएगा। उसके बाद में असतम धम्मं रोचे, जो व्यक्ति बुद्धादि सत्पुरुष लोगों का धर्म नहीं अपनाए, असत्पुरुष लोगों का धर्म अपनाएगा, वो व्यक्ति अंधकार की ओर डूबते ही जाए, बढ़ते ही जाए, उसका जीवन अंधकार ही हो जाए, लौकिक लोकोत्तर और भौतिक और लोकोत्तर सुख संपत्ति से वंचित रहे, ये जीवन उसका अंधकार हो जाए, दूसरा जीवन अंधकार होता है, और नरक लोक में भी जाकर बहुत समय तक दुख सहेगा। इसलिए तं पराभूतमुखं, ये परिहानि कारण है, कहकर गौतम बुद्ध बताए हैं हमें, कहे हुए इति तं विजानामि द्वितीयोऽसि पराभूतं तृतीयं भगवामृते इमं पराभूतमुखं। सत्पुरुष लोगों को प्रिय न करना, असत्पुरुष लोगों को प्रिय करना, और अधार्मी असत्पुरुष आदमी लोगों का धर्म ना ना, दूसरा परिहानि कारक धर्म है, ये मैं गौतम बुद्ध जान गया। ततीव सो पराभव, तीसरा परिहानि कारक धर्म आप कृपया हमें बताइए ना, समझाइए ना, कहकर गौतम बुद्ध से वो देवता निवेदन करा, प्रार्थना। तब गौतम बुद्ध ने तीसरा परिहानि होने का धर्म था बता रहे हैं, मैं सुना रहे हैं। निद्दाशील सभासे अनुत्थाता चेव नर अलस्तर को देखन्यामि तं पराभवेत्। जो व्यक्ति निद्दा से ज्यादा समय तक सोएगा, सुतेगा, वो व्यक्ति परिहानि की ओर बढ़ती ही जाए। सभा से उसके बाद में जो व्यक्ति हर समय सभा में जाकर फालतू वचन कहेगा, बोलेगा, निरर्थक वाणी बोलेगा, वो व्यक्ति परिहानि की ओर बढ़ते ही जाए। अनुत्थातो चयने, अनुत्थात जो व्यक्ति वीर्यवान नहीं रहेगा, वो व्यक्ति
विनाश की ओर बढ़ते ही जाए। हमारे गौतम बुद्ध विशेष कर हमें सिखाए हुए हैं चार सम्यक प्रधान विवेक कहकर। हमारे धर्म में चार सम्यक प्रधान विवेक कहकर एक उसी चार विरे में समय प्रधान विरे में हमें कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। वो तो चार समय प्रधान विरे क्या है ये पहले हम इस समय में जानेंगे। चार समय प्रधान विरे है ना करा हुआ पुण्य कर्म करना, पहला विरे करना चाहिए। जो हम नहीं करे हुए अच्छा काम भला काम पुण्य कर्म को करने के लिए विरे करना चाहिए, हम कोशिश करना चाहिए। उसके बाद करा हुआ पुण्य कर्म लगातार करना और करना, ये दूसरा समय प्रधान वीर है। जो जो पुण्य कर्म हम कर रहे हैं वो पुण्य कर्म मैं कर चुका हूं कहकर नहीं छोड़ना चाहिए, वो पुण्य कर्म और करना चाहिए। निरंतर वो पुण्य कर्म में लगना चाहिए, इसमें प्रयास करना चाहिए। जब दूसरा सम्यक प्रधान वीर्य यही है, और तीसरा ना करा हुआ पाप कर्म कभी भी मत। जो हमारे हाथ से हमसे हमारे शरीर वचन और मन से जो जो गलती नहीं हुआ वो हमें प्रयास करना चाहिए, वो गलती कभी भी हमसे ना होएगी। जब भी कोशिश करना चाहिए, वीर करना चाहिए, ना करा हुआ पाप कर्म मत कर। उसके बाद में चौथा समय प्रधान वीरे है, जो पाप कर्म हुआ है वो दोबारा मत कर। जो जो गलती हमसे हुआ है हम लोगों से वो गलती दोबारा ना होए कहकर हमें प्रयास करना चाहिए, वीर्यवंत होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। ये चीजों में विशेषकर वीर्य करना चाहिए, हान मत होना चाहिए, वीर्यवंत होना चाहिए। इस समय में गौतम बुद्ध हमको सिखा रहे हैं जो व्यक्ति ये चार चीजों में वीर्य नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, और व्यक्ति परिहानि की ओर बढ़ता ही जाए, विनाश की ओर बढ़ते ही जाए। क्योंकि करा हुआ पाप कर्म लगातार वो व्यक्ति करते ही जाए, ना करा हुआ पाप कर्म करने के लिए भी प्रयास करेगा, उसके बाद वो भी करेगा। इसलिए ये जीवन दूसरा जीवन और संसार का जीवन उसका नष्ट हो जाए, अंधकार हो जाए। इसलिए परिहानि कारक धर्म कहकर इससे गौतम बुद्ध कहे हुए हैं, हमें बताए हुए। उसके बाद में अलसु कोद पन्या, अलसु का मतलब है अलसी होना, अच्छा कर्म करने के लिए पीछे हटना, बाद में ये काम करूंगा कहकर उस काम को टालना, अलसी होना। जो अलसी करेगा वो
परिहानि की ओर बढ़ते ही जाए। समय में काम नहीं कर पाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा और एक क्रम क्रियाकलाप नहीं कर पाए। इसलिए भौतिक और लोकोत्तर सुख संपत्ति से वह व्यक्ति वंचित रहेगा। इसलिए परिहानिकारक धर्म कहकर इससे गौतम बुद्ध ने अलसी होना कहकर बताया। उसके बाद में क्रोध करना भी परिहानिकारक धर्म है कहकर गौतम बुद्ध बताए। क्रोध बहुत ही खतरनाक एक धर्मता है। ज्यादा क्रोध के कारण हमारा जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, दिमाग है, वो पलायन भाग जाता है, काम नहीं करने लगता। जब हमारे अंदर राग दोष गुण जब आता है, जागरूक होता है, तो हमारा बुद्धि काम नहीं करता है, हमारा प्रज्ञा वहां से भाग जाता है, कहकर गौतम बुद्ध कहे हुए हैं। तो ज्यादा क्रोध कारण क्रोध करने से बहुत ज्यादा हानिकारक। अपने बाल बच्चे को कोई कोई मार देता है, अपनी पत्नी को मार देता है ज्यादा क्रोध में, बहुत सारे पाप करता है। आप देखिए अजाशत महाराजा ज्यादा क्रोध के कारण से अपने पिताजी को मार कर आनंद त्रिय महापाप कर्म कर लिए। इसलिए आज अभिजी महान नरक लोक में दुख सह रहे हैं और दोदत्त बनते वो भी ज्यादा क्रोध के कारण से गौतम बुद्ध को बार बार मारने के लिए प्रयास। आज अभिजी महान नरक लोक में दुख सह रहे। उसके बाद सुप्पबुद्ध महाराजा क्रोध के कारण गौतम बुद्ध का रास्ता रोक कर आज अभिजी महान नरक लोक में दुख सह रहे। इसलिए क्रोध बहुत ही हानिकारक हमारे धर्म महाराजा के अंतिम समय। क्रोध करने के कारण 7 दिन तक दुगते लोक में जीवन बिताए हैं कहकर हमारे धर्म में बताते हैं। इसलिए क्रोध बहुत बहुत ही हानिकारक। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध करेगा उसका ये जीवन और दूसरा जीवन और संसार का जीवन अंधकार हो जाए। लौकिक और लोकोत्तर सुख संपत्ति से वंचित रहेगा, ज्यादा क्रोध करेगा उसका जीवन अंधकार हो जाए। वो व्यक्ति हमेशा ही अंधकार की ओर बढ़ती ही जाए, उसका विनाश होते ही जाए, परिहानि होती ही जाए। इसलिए ये परिहानि कारक धर्म है कहकर गौतम बुद्ध हमें बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं। ये सुनकर देवता गौतम बुद्ध से कह रहा है, इति हेतं विजानामि अतियोऽसु परां भूः सत्वतः भावे पराभवतु। ज्यादा सूखना और ज्यादा निरर्थक वचन बोलना, सभा में जाना, उसके बाद में वीर्यवंत न होना, वीर्यवंत न होना और अलस होना, अलसी होना और क्रोध होना, क्रोध करना, ये परिहानिक धर्म
बिना सुनने का दरवाजा है, मुख है, रास्ता है। ये तीसरा परिहानि कारक धर्म मैं जान चुका, विजानान जान चुका, ततियो स्यो पराबो। अब कृपया गौतम बुद्ध, तीसरा कह चुके हैं आप, चौथा महा परिहान कारक आपने बताइए। तो गौतम बुद्ध चौथा परिहानि कारक धर्म बता रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। ऐसे यो मातरन्वा पितरन्वा जिन्ने कंगते हम पनं पहो संतुने भरे ए तं परा भाई कहकर गौतम बुद्ध कह रहे हैं, यो मातरंगवा पितरंगवा जिन्नकं गतयो वद पहु संतोन भारते तं पराभवत। जो व्यक्ति अपने बुढ़ा माता और पिता को सेवा नहीं करेगा, जतन नहीं करेगा, उपस्थान नहीं करेगा, वो व्यक्ति तं परा भवतो मुखं विनाश हो जाएगा, विनाश होती ओर बढ़ता ही जाए, उसका जीवन अंधकार ही हो जाए, उसका भविष्य अंधकार से डूब जाए। परिहानि की ओर बढ़ती जाए, क्योंकि बहुपकारा भिक्खवे माता पितर उनो अनंत। हमारे माता पितर पिता माँ और पिता हम लोगों को बहुपकारा बहुत ज्यादा उपकार कर रहे हैं, इसलिए माता पिता का गुण अनंत होता है। क्यों माता पिता का गुण अनंत होता है? तीन कारण, तीन चीजों के कारण से, तीन धर्म के कारण से। वो क्या है? गौतम बुद्ध में कह रहे हैं, समझा रहे हैं, आपादका कोषका इमस्य लोकस्य दशता। आपादक माँ पिता हमको जीवन दिए हुए अर्थात जन्माए हुए, कोष का जन्माकर पालन पोषण करे हुए, खवाए खवाए पियाए हुए, खवा कर पिया कर जतन करके इतना बड़ा करे। उसके बाद में इमस्य लोकस्य दशता, ये दुनिया हमको दिखाए हुए जीवन दिए हुए हैं, खवा कर बड़ा करे हुए हैं। उसके बाद में ये दुनिया हमको दिखाए हुए, ये तीन कारणों के कारण से माता पिता का गुण अनंत होता है। इसी तीनों के कारण से हम माँ और पिता के कर्ज कर्जदाई होते, कर्ज होते। तो गौतम बुद्ध कह रहे हैं, इतना उपकार करने वाला, हमें जीवन देने वाला, जन्माने वाला, पालन पोषण करके बड़ा करने वाला और ये दुनिया दिखाने वाले हमारे माँ और पिता एक दिन बुढ़ा हो जाए, बहुत हो जाए। बुढ़ा होने के बाद बुढ़ापे में अगर कोई सेवा नहीं करेगा, जतन नहीं करेगा, ये महाविनाशकारी उसके साथ हो।
ये जीवन दूसरा जीवन है, संसार का जीवन अंधकार हो जाए। वो व्यक्ति परिहानि की ओर ही बढ़ते जाए। इतना सिर्फ है, वसु सूत्र में गौतम बुद्ध तम जन्म वस्तु थे, ये व्यक्ति वस्त्र है कहकर हमें कहे हुए हैं, बताए हुए। जो माता पिता को उपस्थान नहीं करेगा वो वस्त्र व्यक्ति है, सबसे नीच तुच्छ व्यक्ति है कहकर बताए हुए। इसलिए माँ और पिता को विशेष रूप से सेवा करना चाहिए, उपस्थान करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, ये उन्नति का कारण है कहकर गौतम बुद्ध हमें सिखाए। ये सब सुन के देवता बोल रहा है, इति हे तं जाने चतुर्थ पराभव पंचम भागे भाव्रुवे किं पराभव। गौतम बुद्ध चौथा परिहानि कारक धर्म था, बुढ़ापे में माँ पिता को जो सेवा नहीं करे, जतन नहीं करे, उपस्थान नहीं करेगा, वो व्यक्ति विनाश की ओर जाए। ये परिहानि कारक दरवाजा है, विनाश कारक दरवाजा है। ये चौथा परिहानि कारक धर्म मैं जान चुका हूं। अब कृपया पंचमो सूत्र पर आप, पांचवा वाला परिहानि कारक धर्म आप बताइए ना। तो गौतम बुद्ध पांचवा वाला परिहानि कारक धर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। कैसे? इस तरह से, यो ब्राह्मणं वा समनं वा अन्यं वा केवलं नैकं। मुसादेन मञ्चेते तं पराभवेत् कहकर, यो ब्राह्मणं वा समनं वा अन्ना वापि वनिभवः मुसावादेन वंचेते तं पराभवतु। जो व्यक्ति समण और ब्राह्मण लोगों को, अर्थात यहां समण ब्राह्मण कहते हैं गौतम बुद्ध, पच्चेक बुद्ध, महाअरहंत और मार्ग परिणामी शीलवान गुणवान भिक्षु लोगों को। तो जो समण ब्राह्मण लोगों को वंचा करेगा और वनी बका याचक लोगों को भी, गौतम बुद्ध को, पच्चेक बुद्ध को, अरहंत भिक्षु लोगों को, शीलवान गुणवान भिक्षु लोगों को, और आर्य महान श्रावक और वनी बकम भिखारी लोगों को, याचक लोगों को मुसावादेन वंचेते, झूठ बोलकर वंचा करे वो व्यक्ति, तं पराभूतो मुखं विनाश के मुख की ओर बढ़ते ही जाए, अंधकार में डूबता ही जाए, परिहानि होते ही जाए। उस व्यक्ति का जीवन लौकिक और लोकोत्तर जीवन अंधकार हो जाएगा कहकर गौतम बुद्ध हमें सिखा रहे। भिक्षु लोग और याचक लोग, भिक्षाटन करने के लिए भिक्षु लोग और भीख मांगने के लिए याचक लोग एक एक घर में जाते हैं।
जब भिक्षा मांगते हैं तो अगर कोई व्यक्ति मुसावादी वंचित झूठ बोलकर वंचा करे, नहीं है कहकर वंचा करेगा और एक कारणों से वंचा करेगा, वो व्यक्ति विनाश की ओर जाएगा। ये विनाश होने का दरवाजा है, एक रास्ता है, परिहानिकारक होने का मुख है कहकर गौतम बुद्ध हमें बताए हुए कहे हुए। तो देवता बोल रहा है, इते हे तं विजानामि पंचमोऽसौ पराभव छठम भाग आमृवे किं पराभव। समण ब्राह्मण लोगों को और याचक लोगों को झूठ बोलकर वंचा करना ये पांचवा परिहानिकारक धर्म है। अब कृपया गौतम बुद्ध छठम सो करा छठवा वाला परिहानिकारक धर्म आप हमें बताइए ना। उसके बाद में गौतम बुद्ध छठवा वाला परिहानिकारक धर्म हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। पहुते पुरी सो सही समाजन एक भुंचते साधुनी तं पराभव। ऐसे गौतम बुद्ध हमें बताए समझाए, पहुत वित्तो पुरिस सही रहो सबोज, बहुत ज्यादा सोना चांदी हीरा मोती पैसा कौड़ी दौलत, उसके बाद में खाना पीना, रहने वाला व्यक्ति कम से कम सही रहो सभाजन, अपने बीवी को अपने बाल बच्चे को भी नहीं देगा तो नहीं बांटेगा तो वो व्यक्ति तं पराभवतो मुखं विनाश के ओर अंधकार के ओर बढ़ते ही जाए। आप लोग देखिए ना, अदिन्ना तुब्बा कितना ज्यादा धन दौलत पर किसी को नहीं दिया, ये जीवन में अपना बेटा होने पर मठ कुंडली को होना पर इतना ज्यादा लोभी था, अपने एकलौता बच्चे को भी खाना पीना तक अच्छे से नहीं दिया, अंतिम में रोग पकड़ के वो बच्चा मर गया। उसके बाद में आप देखिए, सो रहिए ब्राह्मण को तो दिए ब्राह्मण को तो दिए ब्राह्मण ज्यादा लोभी के कारण 80 करोड़ से भी ज्यादा धन दौलत था पर किसी को भी नहीं देता था, अंतिम में अपने घर में ही एक कुकुर का जन्म एक कुत्ता का जन्म पाया। उसके बाद में सूर्य ब्राह्मण सेठ एक-एक सेठ लोग भी थे गौतम बुद्ध के, वो लोग भी ऐसे ही थे, मरे की सीधे दुगति लोक में, कोई कोई नरक लोक में गिरी के ये जीवन दूसरा जीवन और संसार का जीवन अंधकार करे। इसलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं,
सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत खाना पीना, रहने वाला व्यक्ति बांट कर खाना चाहिए, परिभोग करना चाहिए, उससे उन्नति होता है। अकेले ही खाने पीने से, सुख संपद भोगने से, ज्यादा लोभी होने से ये जीवन दुष्ट जीवन और संसार का जीवन अंधकार हो जाता है। इसलिए ये परिहानि कारक धर्म है कहकर गौतम बुद्ध सिखा रहे, हमें समझा रहे। तो देवता गौतम बुद्ध से कह रहा है, इति एतं विजानामि छठमोऽसौ पराभवः सत्यमं भागे वा मोहे किं पराभवितुम्। ज्यादा धन दौलत होने से और ज्यादा खाना पीना रहने से किसी को भी नहीं देगा तो वह व्यक्ति विनाश की ओर जाएगा। उस व्यक्ति का जीवन अंधकार हो जाए, वो व्यक्ति परिहानि की ओर ही बढ़ते जाए। ये छठवा परिहानि कारक धर्म मैं जान चुका, सत्तमो स्व पराभव। अब कृपया गौतम बुद्ध, आप सतवा वाला परिहानि कारक धर्म हमें बताइए ना, सुनाइए ना, कहिए ना, कहकर देवता गौतम बुद्ध से निवेदन कर रहा। गौतम बुद्ध ऐसे सुना कह रहे हैं, जाति धंधु धन धंधु गोतम धंधु छेव नर संयाति नति मति ते अंपरा भावे। जाति धत्व धन धत्व गोत्र धत्व से योन, जाति धत्व जो व्यक्ति जाति मतलब कुल के अहंकार में जीवन जिएगा, मैं उच्च कुल के हूं कहकर जिएगा अहंकार से, उसका विनाश होएगा, वो परिहानि की ओर ही बढ़ते ही जाए। इतना आश्चर्य नहीं, धन धत्व धन के घमंड में अहंकार से जो जीवन जिएगा वो भी परिहानि की ओर बढ़ते ही जाए। इतना सिर्फ नहीं, वो तद्धत चाहिए जो व्यक्ति गोत्र के अहंकार से, गोत्र के कारण अहंकार से जीवन जिएगा, वो व्यक्ति भी परिहानि की ओर बढ़ते ही जाए। कहकर गौतम बुद्ध बताए हुए, इसलिए कभी भी चाहे जितना बड़े बड़ा कुल के होना चाहे, बड़ा कुल में जन्म ले लो, उसके बाद में चाहे जितना धन दौलत क्यों ना रहे, उसके बाद में चाहे जितना बड़ा गोत्र क्यों ना रहे, कभी भी संयाति अहंकार घमंड नहीं करना चाहिए, घमंडी से जीवन नहीं जीना चाहिए। अगर जिएंगे तो आप निश्चित रूप से विनाश की ओर बढ़ते ही जाए, आप अंधकार की ओर बढ़ते ही जाए, परिहानि की ओर
बढ़ते ही जाए। ये सब परिहानिकारक धर्म है कहकर गौतम बुद्ध हमें बताए हुए। इसलिए वो देवता गौतम बुद्ध से कह रहा है, गौतम बुद्ध इति हेतम विजाना सत्तमोसु पराभ। ये सत्वा परिहानिकारक धर्म मैं जान चुका हूं, अब कृपया अठमोसु पराभ अठवा परिहानिकारक धर्म आप हमें बताइए ना, कहिए ना, लेकर निवेदन गौतम बुद्ध से कर रहा। तो गौतम बुद्ध आठवां वाला परिहानिकारक धर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं और बुझा रहे हैं। हम देखें आठवां वाला परिहानिकारक धर्म क्या है। इति धुत्तो सुराधुत आपके धुत्तो चेनर लद्धं लद्धं विनाशेति तं पराभवत्। गौतम बुद्ध कह रहे हैं जो व्यक्ति इति धुत्तो स्त्री के लिए माया में फंसेगा, जो व्यक्ति स्त्री को ज्यादा चाहेगा वो व्यक्ति विनाश के ओर बढ़ते ही जाए। इतना सिर्फ नहीं, सुरादुत्तो जो व्यक्ति दारू पिएगा, शराब पिएगा, नशीली चीज खाएगा पिएगा वो व्यक्ति विनाश की ओर बढ़ते ही जाए। उसके बाद में अक्कदुत्तो चयुन, अक्कदुत्तो का मतलब है जो व्यक्ति जुआ ताश खेलेगा वो व्यक्ति भी विनाश की ओर बढ़ते ही जाए। ये चीज जितना ही मिलते जाएगा उतना ही विनाश की ओर, अंधकार की ओर बढ़ते ही जाए। अब आप लोग देखिए ना, दारू पीने से कितना ज्यादा हानि होता है, ये जीवन अंधकार हो जाता है, दूसरा जीवन और संसार का जीवन। दारू के कारण अपने आप को सुरक्षा खुद नहीं कर पाता है और अपनी बीवी को, बेटियों को आरक्षण नहीं कर पाए, धन दौलत सुरक्षा नहीं कर पाए। उसको दारू पीने के कारण कुछ होश नहीं रहेगा, शहर जो आकर उसको मार सकता है, विनाश कर सकता है, नष्ट कर सकता है। इतना सिर्फ दारू पीने के कारण बहुत ज्यादा रोग उसको पकड़ेगा। उसके बाद में लाचा जगह प्रदर्शन करेगा, ये जीवन में ही आदमी लोग निंदा करेंगे। ऐसे बहुत ज्यादा दिट्ट धम्म वेदनीय कर्म इसको ये जीवन में ही मिले। दूसरे जीवन को तो आप बात ही छोड़ दीजिए, नरक लोक में जाकर संसार को अंधकार कर लेगा। और जुआ ताश खेलने के कारण से भी ऐसे ही होता है। आप लोगों को शायद याद होगा, हमारे कुशल महाराज, सरस्वती का कुशल महाराजा एक दिन चार
आवाज सुने, इसलिए बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। से ने सु, ये चार आवाज सुने, सुनकर इतना भयभीत हो गए थे पूरा रात भर नींद नहीं गया। क्यों? गौतम बुद्ध से जब पूछे, गौतम बुद्ध ने बताए, हमारे गौतम बुद्ध के पहले काश्यप बुद्ध इस धरती लोक पे जन्म लिए। काश्यप बुद्ध के समय में चार सिर लोग, वो लोग जब फिर दारू पी रहे, स्त्री बुलाकर पदार्थ सेवन कर रहे थे और जुआ ताश में जीवन व्यतीत कर रहे थे। गौतम बुद्ध ऋषि नगर में पर लाभ नहीं उठाए, ये चारों मर के सीधे नरक लोक में गए। काश्यप बुद्ध के समय से हमारे गौतम बुद्ध के समय तक लो महापायन चलते रहे, अधबदाते रहे, अधबदा कर लोहा का पानी वो नरक लोक में है, उसी में भदभदाते हैं। भदभदा कर अंदर से जब ऊपर आए, अपना दुख लोग कहना चाह, दोबारा मनुष्य जीवन पाऊंगा तो निरर्थक जीवन नहीं जीऊंगा, धर्म सुनूंगा, धर्म अनुसार जिंदगी जीऊंगा, अष्टशील दसशील पंचशील पालन करूंगा, दान दूंगा, शील आरक्षा भावना करूं, एक-एक कहने चाहते थे पर एक-एक सर कह पाए, फिर से वही नरक लोक में गिर गए। तो दारू पीने से, जुआ ताश खेलने से, स्त्री लोग से संबंध रखने से ये जीवन सिर्फ नहीं नष्ट होता है, दूसरा जीवन और संसार का जीवन ही विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अंधकार हो जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ये परिहानिकारक धर्म है कहकर हमें बताए हुए हैं, समझाए हुए हैं, कहे हुए हैं। तो देवता ये सब सुनकर गौतम बुद्ध से कह रहा है, इति हेतं विजानामि अट्ठे मुसु परां भव गौतम बुद्ध स्त्री धूर्त होने होने से और पियक्कड़ होने से, जुआ ताश खेलने से, ये सभी मिलते मिलते आदमी विनाश और जाता है। ये विनाशकारी धर्म है, परिहानिकारी धर्म है, ये अठवा वाला धर्म मैं जान चुका। नवमं भगवा ब्रूहि किं परामृतम्, नवा वाला अपरिहानि कारक धर्म कृपया हमें बताइए ना, सुनाइए ना, कहेगा। वो देवता गौतम बुद्ध से निवेदन करा, तो गौतम बुद्ध नवा वाला अपरिहानि कारक धर्म हमें समझा रहे हैं, बुझा रहे, हम देखें वो तो क्या है। से दारे संतुष्ट हो बेसिया सुपदिस्ते दिस्ते पर दारे सुख,
मुखम, यही नवा वाला परिहानिकारक धर्म है। क्या आप लोग को सुनाई दे रहा है? जी आदरणीय पंडित जी, ये नवा वाला अपरिहानिकारक धर्म है। से ही दारे ही संतु वेशी आसु पदिश दिशति परदारेषु तं पराभवतु। से ही दारे संतु अपने पत्नी से केवल संतुष्ट नहीं होता है, फिर कोई व्यक्ति वेशी आसु पदिश वैश्यालोक के पास जाकर संतुष्ट होता है। दिशति परदारिश और पराय स्त्री लोगों के बारे में सोचता है, जाता है तो तं पराभवतो मुखम्, ये परिहानिकारक धर्म है कहकर गौतम बुद्ध हमें बताए हुए हैं। गौतम बुद्ध गृहस्थ लोगों को गृहस्थ लोगों का नित्य से पंचशील कहकर बताए हुए। तो गृहस्थ लोगों को अपने पति और पत्नी से केवल संतुष्ट होने का आज्ञा दिए हुए हैं। उसी सीमा में रहकर गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस सीमा तोड़कर आगे जाएगा, परस्त्री लोग के पास जाएगा और वैश्या लोग के पास जाएगा तो व्यक्ति विनाश होते ही जाए, अंधकार के ओर डूबता ही जाए। वो व्यक्ति से नहीं, स्त्री भी वैसे। आप लोग वेद वाक्य को सुनते होंगे तो आप लोग को पता होगा, एक प्रेत रात में सुख संपत्ति भोगते थे और दिन में बहुत ज्यादा दुख भोगते थे। एक बड़ा सा कुकुर कुत्ता आकर पूरा शरीर ही खा लेता, किनसे जाकर कुर्ते में डाल देता था, किनसे जीवन होता। तो ऐसे कई काश्यप बुद्ध के समय से, मारे भगवान बुद्ध के समय तक बहुत ज्यादा दुख। क्यों? क्योंकि वो प्रेत काश्यप बुद्ध के समय में एक श्रद्धावान उपासिका परदार सेवन करने के पर पुरुष के चक्कर में तीसरा सील तोड़ने के कारण प्रेत लोक में जाकर बहुत ज्यादा दुख सहे। उसके बाद में हमारे भगवान बुद्ध का अग्र उपस्थाय आनंद महाभिक्षु संसार में स्त्री होकर जन्म लिए हैं कहकर धर्म में सदहन है, लिखित है। क्यों उन्होंने स्त्री का जीवन पाया? क्योंकि बहुत 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 ही पहले उन्होंने एक सुनार का जीवन पाया, सुनार होकर जन्म लिया। जवानी के कारण पर स्त्री से सेवन तीसरा सील तोड़ लिए, उसी के कारण बैल होकर जन्म लेकर बहुत ज्यादा दुख से, वानर होकर जन्म लेकर ज्यादा दुख से है, स्त्री होकर जन्म लेकर ज्यादा दुख सहना पड़ा, देवता लोक में स्त्री होकर वहां भी जन्म लेकर बहुत दुख सहना पड़ा, संसार में बहुत ज्यादा दुख सहना।
भगवान बुद्ध का अग्रिम अवस्था है। हम भांडागारे होने वाला व्यक्ति को भी संसार में दुख से, पर स्त्री सेवन करने के कारण। इसलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं अपने अपने सीमा में रहकर जीवन जीना चाहिए। कर सकते हैं तो उन्वासी के दिन अष्टशील, नवांगशील, दसशील आरक्षा कीजिए, ब्रह्मचारी जीवन जीजिए, जिए और हर दिन हमेशा अपने केवल पंचशील में ही रहकर अपना गृहस्थ जीवन अच्छा से चलाए। तो अपने पति और पत्नी से केवल संतुष्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं होंगे तो विनाश की ओर, अंधकार की ओर डूबते ही जाए। नरक लोक में भी गिरेंगे, भूत प्रेत होकर भी जन्म लेंगे, जानवर होकर भी जन्म लेंगे, संसार पूरा अंधकार हो जाए। इसलिए ये विनाशकारी धर्म है, परिहानिकारक धर्म है, दरवाजा एक-एक कर गौतम बुद्ध हमें सिखाए हुए। इतेहेतं विजानामि नवे मुमुसु परांभव दशमं भागे वामुहि किं परांभव मुखं। परिस्त्री के पास जाने से, वैश्यालोक के पास जाने से विनाश होता है, विनाश होने कारक धर्म है। ये नवा वाला अपरिहानी कारक धर्म मैं जान चुका। कृपया गौतम बुद्ध दसमो सुर परा गुरु दसवा वाला अपरिहानी कारक धर्म हमें बताइए, कहिए ना, कहकर देवता गौतम बुद्ध से निवेदन पूछा। तम गौतम बुद्ध दसवां वाला परिहानि कारक धर्म सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। अतीतयुम्बनोऽसौ आनेतेतिं परोत्थनि तस्सा ईशान सुपते तं परा भवतु। अतीत यो बनोपुष तिम बरु तस्सा ईशान सुपते तं परा भवतु। अतीत यो बनोपुष, जो व्यक्ति जवानी खत्म करके बुढ़ा हो गया, वो बुढ़ा सुंदर तारुण्य स्त्री से शादी करेगा, तस्सा इस्सान सुपति, वो व्यक्ति क्योंकि शंका बहुत ही भयानक एक चीज है। शंका के कारण कितना जीवन बर्बाद हो जाता। शंका के कारण अपने पति को कोई मार देता, पत्नी को मार देते, उसके बाद में खुद जेल में जाकर दुख भोगते हैं, दंड सहते हैं। उसके बाद में बुढ़ापे पे बूढ़ा बूढ़ा होकर जवान लड़कियों से और जवान लड़कों से शादी करेंगे, तो वो पर स्त्री के पास, पर पुरुष के पास जाएगी और जाएगा, क्योंकि
बूढ़ा व्यक्ति या स्त्री संतुष्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो व्यक्ति या स्त्री जब भी ईर्ष्या से ही जीवन बिताएगी। इसलिए परिहान विनाश की ओर, परिहानि की ओर वो स्त्री हो वो पुरुष जाए। इसलिए एक कारण गौतम बुद्ध परिहानि कारक धर्म कहकर गौतम बुद्ध बताए हुए, क्योंकि ईर्ष्या करना सीधे नरक लोक का दरवाजा है। अल्प भोगे प्राणी होकर जन्म लेते हैं ईर्ष्या के कारण से, कहकर गौतम बुद्ध चूलकम्ब विभंग सूत्र में हमें समझाए हुए बताए हुए। इसलिए और नरक लोक में भी जन्म लेते ईर्ष्या के कारण, इसलिए बहुत ज्यादा ये भी हानिकारक धर्म है। तो वो देवता गौतम बुद्ध से कह रहा है, इते हेतं विजानामि दशमुसु परां भव एकादश मंभागेवा ब्रूहि किं पराभाय मुखं। बुढ़ा होकर जवान लोगों से शादी करना अपरिहानि कारक धर्म है, ये भी गौतम बुद्ध दसवां अपरिहानि कारक धर्म मैं जान चुका, पहचान चुका, समझ चुका हूं। अब कृपया एकादश महासु परा हो 11 वाला अपरिहानि कारक धर्म हमें बताइए, समझाइए। एकर देवता गौतम बुद्ध से निवेदन करा रत्न। तो गौतम बुद्ध 11वां परिहानि कारक धर्म बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इतिम स्वनतिम विकेरन पुरी संवापितं इसम इससे यसे मि हपापेति तं पराभव मुखं। इतिम स्वंडे विकिरण पुरिसं वापिता इससे यस्मिन खपापेति तं पराभवति। जो व्यक्ति ज्यादा दारू शराब जुआ ताश और मांस मांस खाने वाला, खेलने वाला, पीने वाला, स्त्री लोगों को अथवा पुरुष लोगों को प्रधान कार्य में बैठाएगा, प्रधान जिम्मा देगा, तो वो व्यक्ति तम पराभूतों का विनाश हो जाए, अंधकार की ओर जाए, अपरिहानि का अपरिहानि की ओर जाए। क्योंकि जुआ ताश दारू सिगरेट खेलने वाले खाने वाले और ज्यादा मांस मांस खाने वाले स्त्री को अथवा पुरुष बराबर जिम्मेदारी देंगे तो वो जिम्मेदारी वो लोग नहीं निभा पाए। इसलिए वो बिजनेस अथवा वो दुकान डूबता ही जाए, अलाभ में होता जाए, वो व्यक्ति अपरिहानि की ओर ही बढ़ता जाए। क्योंकि वो नशैली है, गजेड़ी है, पियक्कड़ है, स्त्री लोलक, और जबकि मस मांस हमेशा खाने वाला व्यक्ति है, इसलिए निश्चित रूप से जिम्मेवारी नहीं निभाएगा, काम नहीं करेगा, बिजनेस नहीं देखेगा,
व्यापार नहीं चला पाए, इसलिए ये अपरिहानिकारक धर्म है लोगों को जिम्मेवारी देना कहकर गौतम बुद्ध 11वां वाला अपरिहानिकारक ये धर्म है कहकर बताए हुए हैं, हमें समझाए हुए। इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति लोगों को बड़वार जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जिम्मेवारी नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ना है तो, तरक्की करना है तो, उन्नति की ओर जाना है, बढ़ना है, ऐसे व्यक्ति लोग से दूर ही रहना चाहिए, ऐसे जिम्मेवारी अभी भी नहीं देना चाहिए। इति हेतं विजानामि एकादशमोऽसौ परामहो द्वादशमं भगवान् ब्रूहि किं पराभवतुमुखम्। वो देवता कह रहा है गौतम बुद्ध इतिम सोंडिंग विकिरण है पुरिसम वापिता दारू सिगरेट शराब जुआ ताश और मसमांस जब भी खाने वाले खेलने वाले उसी से जीवन बिताने वाले व्यक्ति लोगों को, पुरुष लोगों को और स्त्री लोगों को बड़वार कार्य में बैठाना, जिम्मेवारी देना ये 11वां अपरिहानिकारक धर्म, ये भी मैं विजा में जान चुका। कृपया द्वादशम भगवा ब्रूहि बारहवा वाला अपरिहानिक धर्म हमें बताइए ना, समझाइए ना, बुझाइए ना। कहकर वो देवता गौतम बुद्ध से निवेदन कर रहा है, पूछ रहा है, विनती कर। तो गौतम बुद्ध परवा वाला अपरिहानिकारक धर्म बताते हैं, मैं समझाते हैं इस तरह से। अप्य भोग महातन अंते जायते कुले सोचे रात राज्यं पत्थे यते अं पराभवतु। अप्य भोगो महात खत्ये जायते, जो व्यक्ति शास्त्रीय खत्ये जायते शास्त्रीय कुल जन्म लेगा, पर अपभोग बहुत ज्यादा उसे सुख संपत्त बहुत ज्यादा गरीब रहेगा, धन दौलत उसके पास नहीं रहेगा, अल्प भोग रहेगा, केवल थोड़ा सा धन दौलत केवल रहेगा, बहुत कठिनाइयों से जीवन जिएगा। वैसे शास्त्रीय कुल में जन्मे वाला आदमी महातन महातृष्णा मन में रखते हुए राज्यम पत्य राज्य प्रार्थना करेगा, राजा होने का सपना देखेगा। तम पराभवतुमुखम, वो व्यक्ति विनाश की ओर जाए, वो व्यक्ति परिहानि की ओर जाए कहकर गौतम बुद्ध हमें सिखाए हुए बुझाए हुए। तो अल्प भोग कर राज्य प्रार्थना करने से विनाशकारक हानिकारक ये
हानिकारक धर्म। देवता गौतम बुद्ध से ये बर्मा वाला अपरिहानिकारक धर्म सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गौतम बुद्ध को वर्णना करते हुए, स्तुति करते हुए, पूजा करते हुए इनसे देवतालोक में वापस चल गए। तो गौतम बुद्ध इस समय में हमें कह रहे हैं, एते परा भवे लोके, जो भी व्यक्ति समवेत किए अरिव दर्शन संपन्न, जो व्यक्ति विनाशकारी धर्म अपरिहानिकारक धर्म और उन्नति होने वाला अपरिहानि के उस तरह उल्टा उन्नति के ओर बढ़ने वाला धर्म, जाने वाला मार्ग और इस तरह विनाशकारी का, तो सुविजानु भवान होती उन्नति होने का कारण धर्म अच्छा से आप लोग गौतम बुद्ध के धर्म अनुसार ये सूत्र अनुसार जान चुके हैं। सुविजानु पराभव विनाशकारी धर्म हानिकारक धर्म अपरिहानिकारक धर्म अच्छा से आप लोग इस समय में समझ चुके हैं, जान चुके हैं। इसलिए आप लोग उन्नति होने का कारण केवल करिए, विनाशकारी होने का कारण कभी भी मत करिए। अगर अपने जीवन में विनाशकारी अपरिहानिकारक काम हो रहा है, ये गलती हमसे हो रहा है, शनिक हटाने के लिए प्रयास कीजिए, उससे दूर होने के लिए कोशिश करिए और धीरे धीरे कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए ये बुरा कर्मों को जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए, नष्ट कर दीजिए। केवल उन्नति होने का कारण, मंगल होने का कारण, सुखदायी होने का कारण केवल आप लोग करते रहिए और अपना जीवन उज्जवल करते रहिए, और ये जीवन, दूसरा जीवन और संसार का जीवन धन्य कर लीजिए। लेकर इस समय में आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आवाज दे रहा हूं। तो आज आप लोग पराभव सूत्र पाली में और हिंदी में कुछ समय के लिए सुने हुए हैं, जाने हुए हैं, समझे हुए हैं और मैं देश ना सुनकर धर्म देशना कर जितना पुण्य शक्ति हमें प्राप्त हुआ, ये सभी पुण्य शक्ति आप लोगों को, आप लोग का परिवार लोगों को हम दे रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। ये सभी पुण्य शक्ति के आशीर्वाद बल से और बुद्ध धम्म संघ के आशीर्वाद बल से आप सभी लोगों का कल्याण हो, भला हो, मंगलमय हो, सदा उन्नति हो और ये जीवन, दूसरा जीवन और आप लोगों का संसार का जीवन धन्य हो जाए और आपको निर्वाण प्राप्त
विशेष रूप से आशीर्वाद कर, और आप लोगों के नाम से जो जो मरा हुआ बिता हुआ है वो सभी ज्ञाति लोगों ये पुण्य शक्ति हम दे रहे हैं। ये पुण्य शक्ति लेकर वो लोग अपना जीवन धन्य कर ले, मंगलमय कर ले, निर्माण प्राप्त करें, कहकर विशेष रूप से पुण्य अनुमोदना कर रहे हैं, पुण्य दे रहे हैं। और सभी देवी देवता लोगों को भी, सभी प्राणी लोगों को ये पुण्य शक्ति हम दे रहे हैं। ये पुण्य शक्ति लेकर वो लोग आप लोगों को, आप लोग का परिवार लोगों को और बुद्ध शासन और देश आरक्षा कर, आरक्षा करते हुए अपना भी संपर्क बढ़ाते हुए, पारमिता गुण धर्म बढ़ाते हुए वो लोग भी निर्वाण प्राप्त करें, कहकर पुण्य शक्ति देवी और देवता लोगों को भी लोग दे रहे हैं। अंतिम में ये भयानक संसार से मुक्त होने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए हमें ये सभी पुण्य शक्ति पारमिता हो जाए, उपकार हो जाए, कहकर पुण्य शक्ति दे रहे हैं। तो सबसे पहले गाथा कहकर देवी देवता लोगों को और सभी प्रजा लोगों को, सभी प्राणी लोगों को भी पुण्य शक्ति करें। आप लोग में कहिएगा, पुण्य दीजिएगा। आकाशट्ठा चिम्मट्ठा देवानागा मैत्रिका पुण्यन्तर्नलोदिता चिरं रक्खन्तु लोके शास्त्रम् चिरं रक्खन्तु देशम् चिरं रक्खन्तु मम परन्ति। और निर्वाण भी प्रार्थना कर ले आप सभी लोग हाथ जोड़कर, जैसे मैं कहूंगा वैसे कहकर निर्वाण भी प्राप्त कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा। इमिना पुण्य कम्मेने मामे बाल समागम सतं समागमुतु यावे निम्बान पत्या इदं मे पुण्यं आसेवक्खया वहं भूतु संवेदुःखापमुञ्चतु साधु 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 सा जी आदरणीय पंडित जी, आपको बहुत बहुत साधु का। धर्मश्रुत उपासकों पर अनुकंपा कर बहुत ही सरलता, सजगता और संयमित वाणी से विस्तृत रूप से अर्थ बताया, आपको बहुत बहुत साधुकार। श्रद्धा और करुणा से दिए गए इस धर्म दान के लिए सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुकार। आदरणीय बंदे जी, अभी हम पुण्यानुमोदन याचना करेंगे और बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना करेंगे। सभी श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ना है। ओकास वंदामि भन्ते मया कतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यं साधु साधु अनुमोदिते साधु 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 अनुमोदामि ओकास द्वारत एन कतं सब्बं अच्चयं कमतमे बंदे ओकास समामि भन्ते चतारो धम्म प्रधन्ते
संपत्ति मेवचे अधो निर्माण संपत्ति इमिनाते समित सुखी बुद्ध दीनि निर्वाण संपत्ति धम्म संघ क्षमायाचना कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं कमामि भन्ते भूरि पन्या तथागत कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं कमामि धम्मं संदिटीक अकालिक कायेन वाचाय चित्तेन पमादेन मया कतं अच्यं कमामि संघ पुण्यं केतं अनुत्तर साधु साधु साधु।